बस यहाँ टेबल पर। वकील साहब आ गए क्या? जी भाईजान। जी मैं आ गया हूँ। वकील साहब वसीयत लिख लाए क्या? जी मैं लिख लाया हूँ। पढ़ के सुना दीजिए ताकि सब गवाह रहे। जी। मैं नसीर अहमद वल्द कदीर अहमद बाहोशो हवास अपनी तमाम जायदाद और कारोबार का मुहाफिज अपने छोटे भाई सगीर अहमद को मुकर्रर करता हूँ। मेरे दोनों बेटे अशद और फहद की 18 साल की उम्र को पहुँचने तक सगीर अहमद ये जिम्मेदारी निभाएंगे। बच्चों के 18 साल के होते ही तमाम जायदाद और कारोबार मेरे बेटों को बराबर हिस्से में मुंतकिल हो जाएंगे। अरे भाईजान आप ये क्या कर रहे हैं? अल्लाह आपको 100 साल सलामत रखे, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सगीर मैं अपनी हालत को समझता हूं, अल्लाह सेहत दे दे तो उसका शुक्र है। मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरी जायदाद और औलाद की बंदर बांट हो मेरे ही रिश्तेदारों में। मैं जानता हूं मैं तुम पे बहुत भारी जिम्मेदारी डाल रहा। सगीर वो बिन माँ के बच्चे हैं, उन्हें बहुत प्यार देना। भाईजान ऐसा ना बोलें प्लीज, अल्लाह बेहतर करेगा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ ला, कहाँ साइन करने? इसे कहते हैं कमाए कोई और खाए कोई। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गार्डियन है उनके, मालिक नहीं है इस जायदाद के। अरे 18 साल के हुए नहीं तो निकाल बाहर करेंगे यूं। उनकी ये मजाल, मानो या ना मानो होना तो यही है। अरे आपको नहीं पता वो बड़े वाला ना बहुत तेज है अभी से,
मोंटी तुम हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा कमरा नहीं, मेरा कमरा है। क्या? जी हाँ, ये कमरा, ये बेड, ये खिलौने सब कुछ मेरे हैं। भाई मेरे खिलौने। निकलो, अभी निकलो हमारे कमरे से। नहीं जाना। निकलो। मैं नहीं जाऊंगा। निकलो। क्यों धक्के दे रहे हो? हाँ क्यों दे रहे धक्के? कितने शैतान हो गए हो, खबरदार जो से हाथ लगाए तो। आंटी आप मुझे ही मारती रहती है, इसे कुछ नहीं कहती। तो तुम इसे धक्के क्यों दे रहे थे? आंटी इसने हमारा कमरा भी ले लिया और रशद के खिलौने भी। ये तुम्हारा कमरा नहीं, मोटी का कमरा है, समझे तुम? और तुम्हारा कमरा तो मैं अभी दिखाती हूँ तुम्हें। इधर आओ, चलो चलो यहाँ से चलो। ये है तुम दोनों का कमरा, समझे? आज से तुम दोनों यहाँ पर रहोगे और अपना सामान सेट कर लेना। और खबरदार जो तुम लोगों ने ना मोंटी को हाथ लगाया तो, वरना तुम लोग के हाथ तोड़ दूंगी मैं। तुम मर गए और मेरे लिए अपनी बदतमीज औलाद छोड़ गए। मैं तो कहता हूँ सगीर साहब, अच्छा वक्त है, बेच दे अपने घर को, कीमत भी अच्छी मिल रही है। मैंने तो नसीर साहब से भी कई बार कहा था मगर वो माने ही नहीं, कहने लगे पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन साहब ये हकीकत है कि पैसे के बगैर जिंदगी बेकार है। पैसा है तो इज्जत है, कौन पूछता है कैसे आया कहाँ से आया। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सोच कर बताता हूँ आपको। हाँ हाँ सोच लें, और कागजात असली होने चाहिए। वो क्या है ना कि हमारा कोई एक दिन का धंधा तो है नहीं, हमारी साख ही हमारे कारोबार की पहचान है। और फिर ये पार्टी भी तो बहुत सॉलिड है, एकदम कैश वाली। कैश? क्या क्या कह रहे हैं आप? कैसे बेच सकते हैं आप उस घर को? वो तो उन यतीम बच्चों का है, आप तो सिर्फ रखवाले हैं उसके, ये मुमकिन नहीं। मुमकिन मुमकिन तो सब कुछ है हमारे इस प्यारे मुल्क में, आप अच्छी तरह से जानते हैं। बस आपका तावन चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब मैं समझा देता हूं, पूरी जायदाद का 10% आपका। जी 15% ले लीजिए, बस वसीयत बदल दीजिए, बेचने और खरीदने का मुख्तार मुझे बना दीजिए और बस। आप हंस क्यों रहे हैं? यूं ही इंसान की चलाकियों पर हंसी आ गई। इंसान भी क्या शय है ना, खुदा बनकर बैठ जाता है, एक लम्हे के लिए भूल जाता है कि असल डोर तो मालिक के हाथ में है। जब चाहे डोर खींच ले और इंसान की सारी चलाकियां दरी की दरी रह जाए। कभी सोचा है आपने, आप जो कदम उठाने वाले हैं मुस्तकबिल में वो कैसे कैसे दुख लाएगा? नहीं आप नहीं जानते, मुझे मालूम है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो आप किसी और से वसीयत तब्दील करवा लेंगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला? हाय कितना खूबसूरत घर है ना। वैसे मैं मान गई आपको। आप जो सोचते हैं ना कर लेते हैं। लेकिन सगीर एक बात तो बताएं, आपने ये वसीयत तब्दील कैसे करवाई? बेगम साहबा आप आम खाइए, पेड़ मत गिनिए। वैसे सगीर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये घर हमारा हो गया, हमारा अपना। हाँ ये हमारा घर है,
हमारा अपना। अंकल क्या बात है? हमारा स्कूल यहाँ से बहुत दूर हो गया अंकल, हमें भी मोंटी वाला स्कूल में दाखिल करवा दें। क्या करोगे तुम पढ़ के? घर का काम कौन करेगा? किचन में बर्तन बिखरे पड़े हैं, जाओ कर्मू का साथ दो जाके, जाओ यहां से। कर्मू, कर्मू। जी साहब। ए मैंने अपने साथ लेके जाओ, जाओ कर्मू के साथ काम करो जाके। ये स्कूल जाएंगे वो भी मोंटी वाले। आइए अब ये देखिए। ये रा कभी स्कूल ही जाएंगे। जाएंगे, जरूर जाएंगे, तुम फिकर मत करो अशद। भाई मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्यों, तुमने कुछ खाया नहीं? भाई आंटी ने मुझे कद्दू पका के दिए थे, आपको तो पता मुझे कद्दू नहीं पसंद। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। वैसे सगीर आज की पार्टी थी बड़ी जबरदस्त है ना? यस। लेकिन आज देर नहीं हो गई। हाँ पार्टी अब देर से खत्म होती है। सही, सामने देखो। बेचारा, माँ बाप एक ही झटके में खत्म हो गए, जिंदगी का भी क्या भरोसा है। अरे छोड़ो बहन, अपनी करनी ही सामने आती है। सुना नहीं इसके बाप ने अपने यतीम भतीजों के साथ इतना बुरा किया है? अरे तू यहाँ बैठा हुआ है? खाला मैंने आपका कमरा साफ कर दिया है। कम भक्ति मारे, बाहर की सफाई कर दी तुमने? खाला मैं थक गया हूँ। खाते वक्त तू थकता नहीं है, काम करते वक्त तू थक जाता है। चल भाग यहाँ से बाहर के काम कर जा। लीजिए। अरे आपके तो पसीने छूट रहे हैं, ये तो आपका ही बनाया हुआ मुस्तकबिल है, इससे इतना घबरा क्यों रहे हैं आप? मुझे माफ कर दीजिए वकील साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं भटक गया था, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, उससे मांगी जो हम सबका मालिक है। मेरे अल्लाह मुझे माफ कर, मैं भटक गया था, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। मेरे बच्चे फहद, अशद। कल आप रो क्यों रहे हैं? रो तो नहीं रहा हूं मैं, बस ऐसे मैं पता तुम लोगों के लिए क्या लाया हूं? मैं दिखाता हूं, ये देखो। वाह प्लेन स्टेशन, ये मेरा है, ये मेरे पापा का है, ये मेरा है। आंटी क्यों भाई से बदतमीजी कर रहे हो? खबरदार, जो आज के बाद फहद को तंग किया या अशद को सताया, मैं खाल खींच लूंगा तुम्हारी। क्या कह रहे हैं आप? क्यों डांट रहे हैं मेरे बच्चे को आप? शमो, तुम भी कान खोल के सुन लो, ये सारा कारोबार
और ये घर इन बच्चों का है। अब अगर इनको तुमने कोई तकलीफ पहुंचाई ना, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। आप पागल तो नहीं होगे? पागल नहीं हुआ मैं, अकल टिकाने आ गई है मेरी। और हां, और इन बच्चों को यतीम मत समझना, क्योंकि इनका चाचा जिंदा है अभी। चलो बेटा। बंदगी ओढ़ कर, दर्द को छोड़ कर, मुड़ के देखो अगर सबने पाया इधर। बंदगी ओढ़ कर, दर्द को छोड़ कर, मुड़ के देखो अगर सबने पाया इधर। सीने कट की